एसडीएम सदर साहब के पास आप आई हैं एक अप्लीकेशन लेकर। ये बांझी रोड थाना क्षेत्र का मामला है, बड़की सेरिया गांव का। गंभीर समस्या है, माता जी यहाँ परेशान हैं, अधिकारी से मिलने के लिए आई हैं। इनकी समस्या क्या है, आइए बात करते हैं। कहाँ घर बा? बड़की सेरिया शेर के हुकाला बोलते हैं। अच्छा, हाँ। झूला वाला लेके कहाँ आये बड़ू? यही में। अच्छा, कौन साहब से मिले कबा? साहब से जे हम का जानी जे ही हमार कदी वो करे से मिलो पिंसिनियो मिलो तरला वो रोकी गई बा। आ राशनो कार्ड ना मिलला। तो राशनो कार्ड नहीं खे मिला तो पेंशनो नहीं खे मिला ना। तो प्रधान जी विधायक जी लोग बतौने ना अपना बारे में का कहीं जाए का प्रधान जी ना सुनता ना नहीं के बात होत प्रधान जी से। अच्छा चलिए यहाँ से मुलाकात भइल हो? हाँ। का कहल लोग का हो जे सब है कि हम कह दे कह दे। हाँ। एकरा पहले पेंशन मिलत रहे? हाँ हाँ मिलत रहे। कै महीना मिलल हो? बहुत दिन मिलल हमार। अच्छा, केवाईसी बैंक उनको में हो गेल बा? बैंक का काम कंप्लीट हो गेल बा? हमारे के बैंक हाफ इंडिया में मिलत रहे ला पैसा। हाँ, तो केवाईसी तो होला वहाँ करौले बने जाए के? हाँ हाँ करौले बने करा दे बने। हाँ। इतने बातों नहीं किया ना। तो राशन तो डीएसओ साहब कार्ड बने हो जगह ला? नहीं डीएसओ साहब के कार्यालय तो कहनी है सब कि यही में हो यही में हो जाए। हाँ। अच्छा, राशन नहीं मिलत? तो घर में और कौन नहीं खे? ना हमारे केव नहीं खे, बेटी एगो बियाह कर मरद भुला गई तब रहले फरका रहले। तो राशन पहले मिलत रहे हमारे के? ना ना शुरू से राशन नहीं मिला हमारे, माने पहले 10-20 वर्ष के बाद पहले मिलत रहे। मिलत रहे? आप नहीं मिले? ना। अच्छा, 15-20 साल से राशन नहीं मिले? ना अब ना अब और घर में खाली बेटी बने और को बा? ना हमारा अपन अब के नहीं थे। लड़का नहीं थे? ना लड़का नहीं, बेटी बने। समस्या बा? बहुत बहुत बबुआ जी, मर जाती हेने रोहिया में जातनिया कनियो डगर आ के मर जाती तनी में। राशन कार्ड बनवाओगे? पेंसिल चाहिए ना? पेंसिलिया हमारे मिले तरला कहीं रोकल बा राशन कार्ड तो अपना जाने में तो कौनिया सब बना दी। हाँ अच्छा अच्छा ठीक बा, हम कहीं ना कि फूको कपड़ी के बहुत पीड़ा है, बहुत कष्ट है आपको। ये राशन भी 15-20 साल से नहीं मिल रहा है और पेंशन भी नहीं मिल रहा है और इस हालात में इस उम्र में दर दर भटकना पड़ रहा है। घर में एक बेटी है, उसकी भी चिंता सता रही है। सरकार से व्यवस्था से एक पेंशन और राशन के लिए ये महिला ये माता जी आज तहसील मुख्यालय के मुख्य द्वार पर बैठी हैं और ये विनती कर रहे हैं ईश्वर से, अधिकारियों से, काश मेरी कोई पीड़ा सुन लेता और मेरी जो समस्या है उसका समाधान हो जाता। बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है, ऐसे लोग इस कंडीशन में इस उम्र में यदि अधिकारियों के चैम्बर का चक्कर लगाएंगे तो न जाने क्या आगे होगा। मेरी शासन से और प्रशासन से बस यही निवेदन है कि इस कंडीशन में ऐसे लोगों की प्राथमिकताओं पर काम होना चाहिए। आज अगर बेटा होता तो बेटा आता, लेकिन माँ मजबूर है यहाँ आने में, मामला बहुत गंभीर है। ऐसे में इनकी जो समस्या है इसका समाधान होना चाहिए। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते नहीं जुड़े रहे हमसे। बलिया आजकल से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।